कुछ हुआ है? देखो कुछ भी नहीं हुआ, ये प्यारी सी गुड़िया थी जो डर रही थी कि मैंने वीडियो नहीं बनवानी है, लेकिन अभी जो है ना ये प्यारी प्यारी गुड़िया ने वीडियो बनवा ली है। हाय बोलो यार कैमरे में, हाय बोलो। हाय। और ये देखें जी मजा, ये चीज जो है यहाँ पे ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी ये चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद यकूब और आज मौजूद हूँ मदीनातुल मुनव्वरा में। एक जू बनाया गया है, छोटा सा चुन्नू मुन्नू जू बनाया गया है जिसका नाम है महमद अलौसिया। ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल पास है और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत परिंदे रखे गए हैं। तो आइए आज इंशाल्लाह हम अंदर चलते हैं और उन परिंदों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के पास ही काउंटर है सबसे पहले, जहाँ से आपको नई टिकट परचेज़ करनी है। 25 रियाल इसकी टिकट प्राइस है। अल्हम्दुलिल्लाह टिकट हमने परचेज़ कर लिया और टिकट 25 रियाल का पर पर्सन है। और ये टिकट परचेज़ करने पे आपको मिलेंगे इस तरह की छोटी छोटी बैग्टियाँ, ये 25 रियाल की एक टिकट है, एक बैग्टियाँ सॉरी। बहुत खूबसूरत ये छोटा सा जू है, पहले भी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आज फिर हमारा दिल किया है कि हम यहाँ पे हैं और अंदर जो खूबसूरत परिंदे हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो आइए अंदर चलते हैं और चुन्ने मुन्ने परिंदों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे पहले जैसे हम इंटर हो तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बैठने का बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है और ये ओल्ड फैशन की चेयर्स हैं जो यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इनको यहाँ पे सेट किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि इनकी जो दीवारें बनाई गई हैं, ये सारी दीवारें जो हैं ये खजूर के दरख्तों से ही तैयार की गई हैं, ये आप देखें। और ये बहुत ही खूबसूरत लालटेन यहाँ पर लटकाए गए हैं, पुराने ज़माने के लालटेन हैं और इनमें इस वक्त बल्ब सेट किया गया है। जिस वक्त ये लालटेन का दौर था उस वक्त इसमें मिट्टी का तेल डाल के इनको रोशन किया जाता था, लेकिन अब इसमें बल्ब लगा के बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है। और ये देखें जी माशाल्लाह, हम अब अंदर चलते हैं और अंदर जो खूबसूरत परिंदे इन्होंने कैद किए हुए हैं, हम यही अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि परिंदों को कैद किया गया है, और उनके साथ चल के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे ये देखें एक कॉफ़ी शॉप भी बनाई गई है, यहाँ से आप कॉफ़ी पानी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत है, दो बकरे हैं या बकरियाँ, चल के हम देखते हैं अंदर। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ये देखें जी बकरियाँ, ये बहुत ही खूबसूरत है, ये देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और यहाँ पे ये देखें बहुत ही खूबसूरत बकरा भी एक बैठा हुआ है, ये देखें। और हाँ जी ये सवाल भी कह रहे हैं, आप उसकी फीमेल को हाथ लगा रहे हैं तो जरा ख्याल कीजिएगा ये लोग मारे आपको। और माशाल्लाह इन्वायरमेंट जो यहाँ पे है बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट प्रोवाइड की गई है ज़ायरीन के लिए, और यहाँ के जो मुकीम लोग हैं वो भी आते हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर के जो खूबसूरत मनाज़िर हैं वो आपको दिखाते हैं। अंदर दाखिल होने के साथ ही सबसे पहले आप देखें तो जो चीज़ सब हो रही है वो आर्टिफिशियल बारिश हो रही है, वो आपके सामने ही है। यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश का अरेंजमेंट किया गया है और लोग ये आर्टिफिशियल बारिश भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट है वो है परिंदों को दाना खिलाना। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम वो एक्सपेरिमेंट भी आपके साथ आपको करके दिखाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ये देखें पैरट भी हैं, और ये देखें जैसे मैंने हाथ किए देखें चिड़िया आके बैठना स्टार्ट हो गई है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अभी मैंने दाना नहीं रखा था और जो है ना परिंदे आके बैठना शुरू हो गए, और ये भाई ने हाथ में दाना रखा हुआ है तो अभी ये देखें माशाल्लाह एक सेकंड के अंदर दाना फिनिश हो जाता है। और जी जो यहाँ का सबसे ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है वो अब हम करने लगे हैं, ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपको शायद कहीं ना मिले, बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है पाकिस्तान हबीबी। और ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पैरट भी है,
इनका नाम मकाऊ है। लास्ट मेरे ख्याल 15 दिन पहले मैं आया था तो मैंने पूछा था इसका नाम, और ये मुझे लग रहा है बहुत गुस्से में है इस वक्त, ये हाथ पे नहीं बैठ रहा। और एक और भी यहाँ पे था वो बैठा हुआ है, तो चलते हैं उसके पास, शायद वो हमारे हाथ पे बैठ जाए। देखिए भाई उनको पानी पिला रहे हैं, मुझे लग रहा है उसको प्यास लगी हुई है, तो ये इसको पानी पिलाया जा रहा है। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। इसमें गो आ रही भी और इसका नाम मकाऊ है, भाई ने बताया ये मकाऊ है। और ये लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये तोता हमने नहीं देखा, ये वाला है। और ये इस वक्त बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या मसला है इसको, और ये एंग्री हुआ है किसी के साथ। और ये देखें माशाल्लाह, ये वाला जो परिंदा था ये लास्ट टाइम हमने नहीं देखा, रेड कलर का पैरट है और बहुत ही खूबसूरत पैरट है। ये देखें जी माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बहुत प्यारा पैरट है। और जब लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा है। सलाम रहमतुल्लाह बरकात खुदा हबीबी बताओ रोहिना। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये बहुत ही प्यारा पैरट है यहाँ पे, जो रेड और ब्लू कलर का। अब ये नहीं पता कि इसका जर्मन कलर है या इसको कोई आर्टिफिशियल तरीके से किया गया है, लेकिन माशाल्लाह इन्वायरमेंट यहाँ पे ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। आप फैमिली के साथ आएंगे तो आप यकीनन यहाँ पे इंजॉय करेंगे, और छोटे बच्चे ख़ास तौर पे ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और सेकंड जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है वो है ये आर्टिफिशियल बारिश का। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त यहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश हो रही है, और लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दो ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की चीज़ें हैं, नंबर वन चिड़ियों को दाना खिलाना, और नंबर टू जो है आप यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल बारिश है इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। मस्जिद कुबा के बिल्कुल पास ये पॉइंट है, और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट अरेंज किया गया है ज़ायरीन के लिए, और मोस्टली यहाँ पे जो भी लोग मदीना आते हैं जिसको पता है वो इस जगह का विजिट ज़रूर करता है। और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भी बैठने का अरेंजमेंट किया गया है, तो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जो सिटिंग एरिया बनाया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया गया है, और यहाँ पे भी सेम आप देख रहे हैं कि छत जो है वो खजूर के तनों से बनाई गई है, और सिटिंग के लिए कुर्सियाँ और मेज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और यहाँ से हम देखेंगे जी बहुत ही खूबसूरत मनाजिर नीचे के। ये देखें जी काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं जो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, उनमें सऊदी यहाँ के नेशनल भी शामिल हैं, अजनबी लोग भी आए हुए हैं। अभी जिनसे हमारी मुलाकात हुई वो लोग रियाद से आए हुए थे, वैसे बेसिकली वो कराची से थे। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है ये, बहुत बच्चे ख़ास तौर पर यहाँ पे इंजॉय करते हैं। अगर आप लोग मदीना मुनव्वरा आएँ तो आप ज़रूर भी ज़रूर इस जगह का चक्कर लगाएँ। और ये मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर आर्टिफिशियल बारिश जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। ये देखें जी माशाल्लाह ये बारिश के खूबसूरत मनाजिर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह एक आर्टिफिशियल आबशार यहाँ पे बनाई गई है, और यहाँ पे तस्वीर भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसके चार्जेज हैं, तस्वीर बनाने के यहाँ पे चार्जेज आपको पे करने पड़ते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह तबारकअल्लाह, जैसे ही आप दाने हाथ पे रखेंगे उसी वक्त माशाल्लाह चिड़ियाँ उड़ के आपके हाथ पे पहुँच जाएंगी। चूहे देखो कुछ भी नहीं हुआ, ये प्यारी सी गुड़िया थी जो डर रही थी कि मैंने वीडियो नहीं बनवानी है, लेकिन अभी जो है ना ये प्यारी प्यारी गुड़िया ने वीडियो बनवा ली है। हाय बोलो उधर कैमरे में, हाय बोलो। हाय किंजा, कहाँ से आए हो आप? कराची से आए हैं? ये कराची से आए हैं जी। और डालना था ना आपके हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह कहाँ से आए हुए आप? रियाद। पाकिस्तानी? कराची से। अच्छा माशाल्लाह, ये भाई कराची से हैं। सर यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत जबरदस्त, लास्ट ईयर हम आए थे यहाँ फर्स्ट टाइम बच्चों को लेके, तो ये बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग प्लेस लगी हमें। अब हम जब भी मदीना विजिट करते हैं यहाँ जरूर आते हैं। मैं 15 दिन पहले और आज फिर आया हुआ हूँ। जब भी हमारा मदीना चक्कर लगता है दिल करता है यहाँ पे जरूर चक्कर लगाए। बेटा आप आ गए हो ना, आप तो आना। बेटा नाम क्या है आपका? ईमान। जोर से बताओ जरा, ऊंचा बोलो। खाना नहीं खाया आज आपने? मजा आया आपको यहाँ पे? कितना मजा आया ये बताओ।
बहुत मजा आया। ये माशाल्लाह ईमान बेटा है और ये कह रही है मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर आपका, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कहीं पे आपसे जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये था मस्जिद कुबा के नजदीक बने एक छोटे से चुन्ने मुन्नू ज़ू का प्यारा सा विजिट, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक तमन्नाओं के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए वस्सलाम।